हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना सीखेंगे हम यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि अभी सीए फाइनल, सीए इंटर और सीए फाउंडेशन रिजल्ट आ चुके हैं, तो हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है, जो क्वालिफाई कर नहीं पाए एग्ज़ाम। ये कुछ ना कुछ रीज़न रहे होंगे जिनकी वजह से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अब हम आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू आईसीआई से अपने सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकते हैं, उन आंसर शीट्स की, ठीक है। और इनका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने आंसर शीट्स को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं, हमारी प्रेजेंटेशन में कहां कमी रह गई है, या मार्किंग कैसे होती है, आईसीआई की तरफ से एग्जामिनर कैसे मार्क करता है, उसके बारे में हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जब हम ये सर्टिफाइड कॉपीज का अपना खुद का एनालिसिस करेंगे, जब ही मंगा के देखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 10 रुपये की फ़ीस लगती है। आप सिर्फ 10 रुपये में अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हुए हैं तो आप 8 पेपर मंगा सकते हो, सर्टिफाइड कॉपीज उनकी मंगा सकते हो। अगर आपने सिंगल एक ग्रुप दिया था तो आप सिंगल के मतलब चारों सब्जेक्ट्स की सर्टिफाइड कॉपीज एक ही एप्लीकेशन में, दैट मीन्स सिर्फ 10 रुपये में आप 10 रुपये में आप ये चार कॉपीज मंगा सकते हो, चार सब्जेक्ट की या फिर 8 सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स, आज हम एक लाइव डेमो करेंगे, एक रियल एप्लीकेशन भरेंगे, आरटीआई लगाएंगे, जिसके अंदर मैं आरटीआई लगाने वाला हूँ सीए फाइनल ग्रुप 1 के लिए, और रियल एप्लीकेशन फाइल होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे पहले कर देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे रियल आरटीआई फाइल करूँगा, थोड़ा सा टाइम मुझे भी लग सकता है, और अगर आपको टाइम बचाना है तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को थोड़ी सी स्पीड में आप देख लेना। पर मैं सुनता पूरी डिटेल में ये वीडियो आज शूट करने वाला हूँ, ये पूरा आज प्रोसेस डिटेल में चलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे आरटीआई एप्लीकेशन लगाएं आईसीआई को, ताकि हम अपने सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकें। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ना दो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट है, हमें एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है, और दूसरा हमारा जो एडमिट कार्ड, जो हमने एग्जाम दिया था वो एडमिट कार्ड चाहिए होगा, और जो सेल्फ अटेस्टेड होगा। ये जो बात करते हैं पहले हैंड रिटन एप्लीकेशन की, इस हैंड रिटन एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ इसका। ये उसका हैंड रिटन एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, A4 साइज पेपर में लिखना होगा, खुद आपको इसमें हैंड रिटन नोट होगा तो आपको खुद लिखना होगा। ये आपकी एप्लीकेशन होगी, किसको आप दे रहे हो, ये एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लिखना है आपको, ये सब्जेक्ट लिख देंगे, और यहाँ पर होगा आई हैव अपीयर्ड फॉर, आप अगर फाउंडेशन स्टूडेंट है आप सीए फाउंडेशन लिखना, आईपीसी इंटरमीडिएट के हैं तो इंटरमीडिएट लिखना, अगर फाइनल के हैं तो फाइनल एग्जाम आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला गया है कि आपने सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट या फाइनल एग्जामिनेशन के एग्जाम दिए थे, और ये उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। आपने डिटेल्स देनी है आपको, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप वही देना जो आपने आईसीआई में ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, आपकी ईमेल आईडी दे देना, और आपका फुल एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपका यहाँ पे दे देना आप। उसके बाद आपने लिखना है आपके जो आपने एग्जाम दिए थे, जिसके आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, आपको उसके एग्जाम के बारे में लिखना है कि आपने कौन सा मंथ का था। तो अभी तो हमें जुलाई मंथ का, अभी आरटीआई फाइल करेंगे जुलाई मंथ में, लिखेंगे जुलाई, ईयर रहेगा 2021, आपका रोल नंबर, और ये आगे पेपर नंबर्स। पेपर नंबर्स में अगर आपने एक सिंगल ग्रुप दिया था तो ऑब्वियस बात है आपके चार सब्जेक्ट आएंगे, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया था तो 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 से लेकर 4 तक आपके सब्जेक्ट आएंगे, अगर फाइनल के हैं तो फाइनल के हिसाब से FR, SFM, ऑडिट और कंपनी लॉ। अगर आपने सेकंड ग्रुप दिया था तो आप ये लिखेंगे 5, 6, 7, 8 SEMP, जो भी आपका एक इलेक्टिव पेपर होगा, 7th आपका DT और 8th IDT। अगर आपका बोथ ग्रुप था तो आप इकट्ठे 8 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पे फुल नेम लिखना है, कोई आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, जैसे होता है FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही लिखना है पूरे में, FR नहीं लिखना, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। और उसके बाद ये आपको लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपने लगाई है, एज पर एविडेंस आपने लगाई हुई है, और जो भी आपने बातें यहाँ लिखी है वो सब ट्रू है, फेयर है, सब आपने लिखना है। और आपको फिर नीचे अपने साइन करने हैं और अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपको एक प्लेन पेपर पे ये लिखना होगा, ठीक है। दोस्तों, इसकी मैं जो कॉपी है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप सिंपली आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, गूगल ड्राइव की तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप इसको वहाँ से उठा लेना। दूसरा आपका एडमिट कार्ड आप अपना स्कैन कर लेना, उस पर सेल्फ अटेस्ट अपने साइन कर देना, और ये आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपने को ये दो चीज़ आप रेडी कर लेना, ठीक है, स्कैन करके रख भी लेना, और स्कैन का होना चाहिए आपका 1 MB की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो स्टेप ये रहने वाला है कि हमें एक कॉपी अलग से तैयार करके रखनी होगी वर्ड फाइल के अंदर इसी एप्लीकेशन की। यहाँ पर आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है, और जहाँ पे आपका जो एप्लीकेबल होता है वो आपने यहाँ पे सेट करना है,
और यहाँ पर आपको टाइप करना है पर्सनल डिटेल्स अपने, पूरा फॉर्म फिलअप करना है तरह से, नेम ऑफ द कैंडिडेट लिख लेना, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आप सारा यहाँ पे टाइप कर लेना। एक तो आप लिखोगे ए फोर साइज पेपर पर आपका, वो एक हैंड रिटन एप्लीकेशन वो अलग मैटर है, दूसरा आपने एक अलग से वर्ड फाइल बनानी है इसकी, इस पूरी एप्लीकेशन की, और यहाँ पर आपको ये सारा कुछ फिलअप करना है, ठीक है। ये आपका ईमेल आईडी, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर, ये सारा यहाँ पे आपको, ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे सारी टाइप कर लेनी है, आपको अपने पेपर सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और ये क्योंकि ये अभी ना ऑनलाइन जब हम ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वहाँ पर अपने को इसकी नीड होगी, क्योंकि हमें पूरा एज इट इज़, ये एज इट इज़ हमें वहाँ पे आरटीआई की वेबसाइट पर पूरा कॉपी पेस्ट करना है, तो हमें एक फाइल ये तैयार करनी है और दूसरा हमें वो ए फोर साइज का पेपर, स्कैन पेपर, वो वहाँ पे अलग से तैयार करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, अब हम चलते हैं गूगल की तरफ। तो वही दोस्तों, चलते हैं हम अपने गूगल बाबा की तरफ और वहाँ पर आरटीआई की वेबसाइट खोलेंगे। तो टाइप कीजिए सिंपली आरटीआई, सिंपल एंटर कर दीजिए, गूगल बाबा हमको आरटीआई की वेबसाइट पर ले आएंगे, जो हमारे सबसे पहला जो ऑप्शन है, मतलब सबसे पहले जो साइट है वही हमारी आरटीआई की वेबसाइट है ऑफिशियल, rtionline.gov.in, ये हमारी वेबसाइट है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली और ये अपनी वेबसाइट खुल जाएगी आरटीआई की। ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ये इसका लुक है, और यहाँ पर आपने सिंपली जस्ट जैसे आपकी आरटीआई की वेबसाइट खुल जाती है, आपने सिंपली यहाँ पर देख, ये दिख रहा होगा आपको, क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्लिक, तो ये उसकी गाइडलाइंस है कि आपने किस किस वे में एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है। आपके जो एप्लीकेशन है उसके करेक्टर्स कितने होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या आप क्या यूज़ क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फीस पेमेंट के लिए, जो आप फीस पे करोगे आप आरटीआई की इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड या रुपए कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, कोई वॉलेट या वॉलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ जो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स होते हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे। और मैं कुछ एक बातें भी और बता देता हूँ कि इसमें ना, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो आपकी पेमेंट अटकने का भी यहाँ पे चांस पूरा पूरा बनता है, ठीक है। तो अगर आपकी, अगर यहाँ पर पेमेंट कट जाती है, मैं पहले बता देता हूँ, वैसे तो बात की बात है, मैं आपको फर्स्ट टाइम पहले बता देता हूँ, अगर आपकी पेमेंट कट जाती है, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मल फीस 10 रुपये, अगर आपका जो 10 रुपये का अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है तो, और एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता, तो आप 24 से 48 घंटे का वेट करना, ठीक है। वो ना आपका एडजस्टमेंट कर देंगे और आपको 48 घंटे बाद एक आपका जो आरटीआई का जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, तो दोबारा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस 24 से 48 घंटे का वेट करना है, आपकी एप्लीकेशन अपने आप सबमिट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये हमारा ओवरव्यू आ जाएगा इस वेबसाइट के अंदर, हमें कैसे एक फॉर्म खुल जाएगा, हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो एक बार आपको फॉर्म का फटाफट बता देता हूँ, इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बॉडी पूछा गया, फिर सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, ईमेल आईडी है हमारे पास, ठीक है, नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, स्टेटस, क्या रूरल आपका एरिया या अर्बन एरिया, एजुकेशन स्टेटस आपका, फ़ोन नंबर चाहिए आपका, सिटीजनशिप चाहिए, और हाँ यहाँ था, अगर आप फीस पेमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो आपको कोई फीस नहीं देनी, शून्य, जीरो, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। बट अगर आप बीपीएल में नहीं आते हो तब आपके 10 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। और फिर जो मैं कह रहा था आपसे, एक वर्ड फाइल क्या करनी थी ना आपको, वो एप्लीकेशन वाली, तो वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ रूल्स कि आप यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट, न्यूमेरिकल 0 to 9 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, सिर्फ वो ही यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई और कैरेक्टर यूज़ करोगे तो यहाँ पर एरर शो हो जाती है। और यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 1 MB का PDF फाइल होगी, जिसके अंदर, इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी वो हैंड रिटन जो एप्लीकेशन थी उसकी कॉपी, प्लस आपका एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड एडमिट कार्ड, ये पेपर इसमें स्कैन होंगे और 1 MB तक की वो सिर्फ उसकी साइज होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम सबमिट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम ये एप्लीकेशन भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग, तो हमारा जो मिनिस्ट्री आएगा वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो ढूंढ लेते हैं पहले कहाँ पर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ मेरे को मिल चुके हैं। उसके बाद हमें किसके अगेंस्ट, मतलब किसको आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो वो हमारा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो सबसे 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 नीचे ये मिल गया मेरे को, आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर आपको अलर्ट कर रहा है कि देखिए आप आईसीआई को भेजना चाहते हैं ना रिक्वेस्ट, हाँ जी आईसीआई को भेजना चाहते हैं, ओके। उसके बाद ईमेल आईडी, दोस्तों क्योंकि अब ये मैं किसी पर्सन के एक्चुअल में फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो मुझे सारी वीडियो ब्लर करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी पर्सनल यहाँ पे डिटेल जाएगी, तो मुझे सारी वीडियो, ये पूरी पूरी वीडियो आगे तक पेमेंट तक मुझे वीडियो ब्लर करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि मतलब उसे प्राइवेसी भी बनी रहे और आपको समझ भी आ जाएगी कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह फिलअप कर देता हूँ और वीडियो ब्लर हो जाने वाली है। ईमेल आईडी मैंने डाल दी है, मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग एसएमएस अलर्ट, तो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं, ठीक
ठीक है, कंफर्म कीजिए। ईमेल आईडी दोबारा से डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपना यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम डाल देता हूँ, जेंडर, एड्रेस, एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से हैं आप। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेटस, आप रूरल एरिया में रहते हैं कि अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया भी सेलेक्ट कर दीजिए। एजुकेशनल स्टेटस आपका क्या है, लिटरेट है, इलिटरेट है, तो अगर आप लिटरेट पे क्लिक करते हैं तो आपसे और पूछेगा नीचे आके कि आप 12th स्टैंडर्ड से नीचे के आपने स्टडी की हुई है या 12th स्टैंडर्ड से ऊपर की स्टडी, मतलब आप 12th स्टैंडर्ड पास हैं। और तीसरा पूछता है ग्रेजुएट, तो हमारे केस में ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट पे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। और उसके बाद मैं फिर से फ़ोन नंबर पूछ रहा है, मैं फिर से फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये फ़ोन नंबर दोबारा से पूछ रहा है, मैं फिर से फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बस सिंपली हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ फिल करी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री कोड, स्टेट, स्टेटस अपना रूरल या अर्बन का, एजुकेशनल स्टेटस, ग्रेजुएशन, फ़ोन नंबर डालेंगे अपना और नीचे आ जाएंगे, नीचे आएगा सिटीजनशिप, इंडियन आएगी अपनी, ठीक है। और इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारे केस में बीपीएल कैटेगरी में नहीं आता है बच्चा, तो हम करेंगे नो। जैसे मैंने नो किया यहाँ पर आ गया है यू आर रिक्वायर्ड टू पे आरटीआई फीस ऑफ रुपीज 10, ठीक है, तो मेरे से यहाँ पे 10 रुपये चार्ज किए जाएंगे क्योंकि हमारा बीपीएल कार्ड में नहीं आता। अब हमें लिखनी है यहाँ पे आरटीआई की एप्लीकेशन, लिखनी क्या, कॉपी पेस्ट करनी है क्योंकि हमने तो पहले से मेहनत की हुई थी, तो हमें तो सिर्फ लिखना है। तो मैं अब चाहता हूँ मेरे यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन खोल की एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मुझे ब्लर करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन थी, ये मैंने पहले से रेडी कर रखी थी, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और पोर्टल पे आकर के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार आप री वेरीफाई भी कर लेना, आप एक बार आराम से देख लेना कि आपने जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया वो प्रॉपर किया है कि नहीं किया। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक करने जब आप करोगे, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने चेक कर लिया यहाँ पर, एप्लीकेशन ओके है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का भी देख लेंगे, अगर कोई इशू आएगा तो वो बता देगा। एक है मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मुझे लगाना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए, मैं आपको बता देता हूँ वही। तो ये फ्रेंड्स वो मेरे चार पेजेस में एप्लीकेशन हुई है, ये एडमिट कार्ड हो गया इसका, ठीक है। तो मतलब ये हमारी रेडी थी ना, अब इसको हमें लगाना है एज अटैचमेंट। पोर्टल पे दोबारा आते हैं, ब्राउज करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने के लिए। हमारा पड़ा हुआ है वो डेस्कटॉप पे, ये हमने अटैचमेंट लगा दिया, 1 MB से कम की थी वो, परफेक्ट हो गया। और हम यहाँ पे कैप्चा डाल के अब ये फाइनल सबमिट कर देते हैं, फीस पेमेंट भी कर देते हैं। अभी मिल जाएगा मेक पेमेंट, आइए मेक पेमेंट कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस ओके। फ्रेंड्स ये मेरे को आगे फर्स्ट वहाँ पे ले आया, फर्दर पेज पे जहाँ मुझे पेमेंट करनी है। तो सबसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है सबसे बेस्ट है, आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कीजिए, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास SBI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है जो बहुत ही इफेक्टिव है गवर्नमेंट काम के लिए, तो मैं SBI की इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ SBI बैंक की ही है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आप कोई भी यूज कर सकते हो, रुपए कार्ड आप कोई भी सभी यूज कर सकते हो, बट आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करोगे तो आपको SBI ही यहाँ पे चूज करने देगा। और अगर पेमेंट करती भी है कोई दिक्कत नहीं है आपका, बाद में ये एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मैं एक बार फटाफट SBI बैंक से पेमेंट कर देता हूँ 10 रुपए की। अब मेरा SBI का गेटवे खुल गया है, अब यहाँ पर मैं पेमेंट करता हूँ उसके। दोस्तों मेरा फर्दर पेज ओपन हो गया है जहाँ पर मेरे से कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपकी 10 रुपए की पेमेंट होने जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब इसकी पेमेंट करने जा रहा हूँ, फॉर्म की मैं कर देता हूँ कंफर्म। ये दोबारा से आपसे फिर से कंफर्मेशन लेगा कि वेरीफाई कर लीजिए आप 10 रुपए कटेंगे, ICICI को जा रहे हैं, आपका ये RTI का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ID है, सारा मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाता है, ठीक है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देना जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना,
जिससे कि अगर बाई चांस कुछ एरर आती है तो आपके पास प्रूफ तो रहेगा ही। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, अभी मेरे से हाई सिक्योरिटी पासवर्ड पूछेगा और मैंने कर दिया कंफर्म। तो दोस्तों यहाँ पर बाय लकली मेरा तो सक्सेसफुल हो चुका है, मेरी यहाँ से RDI सबमिट हो चुकी है, कोई एरर नहीं आई, ना ही कोई पेमेंट वगैरह मेरी फंसी है। अब ये जाके रीडायरेक्टली वहाँ चला जाएगा, मेरे को दोबारा से RDI के पोर्टल पे जाके ले आएगा, और जो इसकी स्लिप वगैरह होगी वो आपके ईमेल पे आ जाएगी और आपके एक फ़ोन पर एक SMS आ जाएगा कि आपके जो RTI है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। सो फ्रेंड, जैसे ही आपकी वो 10 रुपये पेमेंट होती है तो SBI के गेटवे से वो रीडायरेक्ट होकर दोबारा से आपकी RTI की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको वो एक मैसेज देगा कि आपकी जो RTI है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है, आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है। आपको एक जैसे कि आपके मैसेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका, तो आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप ये सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्दर ये आपको काम आने वाला है, क्योंकि आपको अपना स्टेटस भी चेक करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं ये स्टेटस सेव कर लेता हूँ, तो फ्रेंड मैंने इसका स्टेटस भी सेव कर लिया है यहाँ पे मेरे पास। दोबारा से एक बार पोर्टल पे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। जैसे ही आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू स्टेटस के नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये व्यू स्टेटस के नाम से टैब है, आपने यहाँ क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपने व्यू स्टेटस किया, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा, जब आप सक्सेसफुली फाइल कर देते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो आपने इस RTI के टाइम पे यूज़ की थी, और कैप्चा डालना है। जैसे सबमिट करोगे आपका वहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि अभी पेंडिंग है, अभी क्या इशू चल रहा है या क्या इशू नहीं चल रहा, तो जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। नहीं होगा कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर हमें कोई जवाब नहीं मिलता, ठीक है, RTI लगाई हमने, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ISA की तरफ से कोई हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज नहीं आई, उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप 30 दिन अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो आप एक काम करना, जैसे आपके 30 दिन पूरे हुए, आपको कोई भी मैसेज नहीं मिला ISA की तरफ से, ठीक है, या फिर कोई भी इंटीमेशन नहीं मिला ISA की तरफ से, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो फर्स्ट अपील, ठीक है। वैसे यहाँ तक इतनी नौबत आएगी नहीं, आपको सबमिट फर्स्ट अपील पर जाना पड़े, ICI विद इन 30 डेज आपके ईमेल आईडी पर आपको ये आपकी सर्टिफाइड कॉपीज मेल कर देगा, ठीक है। तो अगर अगर बाई चांस की बात है अगर नहीं मेल आती, ठीक है, थोड़ा डिले हो जाता है ISA की तरफ से, तो आप एक काम करना 40 दिन तक वेट कर लेना, क्योंकि ISA के पास और भी काफ़ी काम होते हैं, तो आप एक बार 20 से 40 दिन का वेट कर लेना, और फिर भी अगर बात ना बने तो आप यहाँ पर ये जो सबमिट रिक्वेस्ट है आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, सबमिट करोगे, फिर आपसे पूछे कि हाँ जी आपने जो पुरानी RTI फाइल करी थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अपनी ईमेल ही डालना और ये सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर देना, तो आपको फर्दर फर्स्ट अपील फॉर्म की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने RTI एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी है, तो आइए अब वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेरीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्वेरीज है दोस्तों, वो ये होती है कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें या फिर पूरे होल ग्रुप के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो आप सिंपल सी बात है, 10 रुपये में आप क्यों एक सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के लिए आप परेशान होंगे, आप पूरे पूरा ग्रुप उसमें सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन में। अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हुए थे तो आप बोथ ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप दिया हुआ तो सिंगल ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरी क्वेरीज होती है कि ये सबसे जो मेन क्वेरीज होती है, फीस आपकी डिडक्ट हो जाती है बट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता, उसके लिए बहुत ही मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर आपकी फीस डिडक्ट हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है, जब ये SBI और RTI का ये एडजस्टमेंट होता है इन अमाउंट्स का, तो जब वो मैच हो जाती है तो आपके पास कन्फर्मेशन मेल आ जाती है और SMS भी आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ऐसे। तीसरा जो सबसे मेन बच्चों के दिमाग में फीवर, स्टूडेंट्स के दिमाग में फीवर होता है कि क्या ICI उस एप्लीकेंट को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है जो स्टूडेंट ICI के अगेंस्ट RTI फाइल करता है। दोस्तों, ये सब मतलब एक हवाई बातें हैं। RTI का मतलब होता है जानने का अधिकार, आपका अधिकार है आपकी सर्टिफाइड आंसर शीट्स को लेकर, ठीक है, आप अपनी आंसर शीट्स ICI से मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो ICI की कोई इतनी वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे ब्लैकलिस्ट करे स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनके पास ICI के पास और भी बहुत अच्छे अच्छे काम है करने के लिए, उनके पास सिर्फ ये ऐसा छोटा सा चिल्लर काम नहीं है कि वो बच्चों को ब्लैकलिस्ट करेगी, ठीक है, ब्लैकलिस्ट डाल देगी, CA बनी देगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि ICI के खिलाफ आपने RTI लगा दी तो ICI को CA बनी देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। चौथी जो क्वेरीज है, फोर्थ क्वेरीज कहती है कि हाउ मेनी डेज सर्टिफाइड कॉपीज विल रिसीव, आपको 30 दिन मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, आप 30 दिन तक वेट कीजिए, आपको ICI की तरफ से सर्टिफाइड कॉपीज आपकी मेल पे रिसीव हो जाएंगी। 5-6 दिन का या 10 दिन तक का भी आपको शायद हो सकता है कि मैक्सिमम ओवर टाइम लग जाए, 40 दिन तक 45 दिन तक जा सकता है, क्योंकि टाइम लिमिट होती है, तो ICI को 30 दिन के अंदर करना होता है।
और आई सी आई पूरी कोशिश करता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको टॉपिस क्योंकि वो दे सके, क्योंकि आई सी आई के ऊपर आर टी आई डंडा जाता है ना, इसलिए क्योंकि आर टी आई लिखा हुआ 30 दिन के अंदर आपको स्टूडेंट्स की बात माननी है, तो स्टूडेंट्स को आर टी आई के जो थ्रू जो भी एप्लीकेशन लगाई है कॉपीज उनको देनी चाहिए, ठीक है। तो आर टी आई लगाने के बाद आई सी आई को 30 दिन के अंदर अंदर कॉपीज देनी ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेरीज होती है बाई चांस अगर मार्क्स में कोई डिस्क्रेंसी, मतलब मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं तब क्या करें, ठीक है। वैसे तो आई सी आई जब आर टी आई के थ्रू एप्लीकेशन करते हैं तो आई सी आई सू मोटो एक बार वो वेरिफिकेशन करता ज़रूर है, ठीक है, टोटलिंग वगैरह देख लेता है आई सी आई की मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, टोटल मैच है कि नहीं है, टोटल ओके है नहीं है, फिर भी अगर कोई वहाँ पर कोई एरर है, कोई डिस्क्रेंसी रह जाती है, तब क्या है, तब आप आई सी आई के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि मेरे फलाने फलाने पेपर में फलाने क्वेश्चन में ऐसे ऐसे मार्क्स दे रखे हैं, इसको कैसे करिए, तो आप उस टाइम वहाँ उस टाइम बात कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो जिस पर हमने आज लाइव डेमो देखा कि हम कैसे आर टी एप्लीकेशन फाइल करें। दोस्तों, ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि एक ये लाइव डेमो था तो मुझे इसमें डिटेल में काम करना था और आपको भी डिटेल में नॉलेज देनी थी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आप इजीली खुद आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई अभी भी डाउट बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का भी पेरेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव था या जिनको सर्टिफाइड कॉपीज अपनी चाहिए, वो ईजिली बड़े आसानी से ये वीडियो देख करके समझ के और खुद आर टी एप्लीकेशन फाइल कर सकें और अपनी सर्टिफाइड कॉपीज रिसीव कर सकें। वैसे तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज हैं आपको नवंबर एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।